उपसभापति जी, कितना समय है? 5 मिनट। धन्यवाद। इसलिए मैं जो बजट की प्रावधान है उसके बारे में बात नहीं करूंगा। दो चार चीजें मैं जो कहना चाहता था, बड़ी देर से सभी लोगों को सुन रहा हूं, मैं अपनी तरफ से उसके बारे में कहना चाहूंगा। मेरा ये सौभाग्य रहा है सर कि मैं गृह मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी में रहा हूं, शुरू से जब से राजनीति में आया हूं, जब से सदन में आया हूं, 2007 से लगातार मैं उस कमेटी में हूं। और ये मेरा सौभाग्य है या दुर्भाग्य समझिए कि उस समय उस कमेटी के साथ मुझे कश्मीर जाने का मौका मिला। और मैं ये बात इसलिए इस चीज़ से शुरू कर रहा हूँ कि उस कमेटी के साथ हम लोग गए, कश्मीरी पंडित जहाँ रहते हैं वहाँ, जो विस्थापित हुए थे जम्मू में रहते थे, उनके कैंपों में जाने का, और जो चेयरमैन आज हम लोग के उस समय स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, वहाँ जाने का हम लोग का मौका मिला। वहाँ उनकी जो व्यथा हम लोग ने सुनी, जो एक एक परिवार की अगर आप गाथा सुन लेते, तो जितने कमेटी के लोग उस समय हम लोग के साथ थे, सबके आंखों में आंसू थे। सब लोग रो रहे थे उनकी कि किस तरह वो निकाले गए, किस तरह उनके साथ उत्पीड़न हुआ। वहां तक नहीं, उसके बाद हम लोग श्रीनगर गए और बार बार मैं देख रहा हूं हमारे विपक्ष के कई साथी पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे लोग विस्थापित लोगों को वापस लाया गया कि नहीं, कैसे क्या उनके लिए क्या हुआ है। उन कैंपों में गए सर, कैंप मैं कह रहा हूं इसलिए कि एक योजना शुरू की भारत सरकार ने उस समय कि हम लोग कुछ लोगों को वापस ले चलेंगे और उनको नौकरियां दी जाएंगी, उनको टीचर्स की नौकरियां दिए जाएंगे और वो लोग वहां कश्मीर में जाके रहेंगे। एक पहल हुई सर उस समय। वहां की व्यथा अगर आप देख लेते, आज इतने लोग इतनी बातें कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। सबको पहले उन कैंपों में जाके देखना चाहिए कि किस तरह वहां पे कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, एक कमरे में 4 परिवार। और मैं आज तक नहीं भूला हूं जो उन लोग की बातें कि सर रात को कभी कभी लोग आते हैं और बंदूक की गोलियां चला के हम लोग को डराने के लिए कि हम लोग वापस चले जाएं। लेकिन हम लोग आए हैं और हम लोग ने दृढ़ संकल्प किया हुआ है कि हम लोग यहां रह के हम लोग अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये भावना थी उन लोगों में और इस तरह जोड़ा गया। मुझे आज भी याद है कि परिवार की छोटी बच्ची ने जो हम लोग से बोला, कई अंकल हम लोग को डर लग रहा है यहां पर, हम लोग को वापिस भेजिए। ये ऐसी व्यथा है जो आज उन परिवारों में एक आशा के किरण जागी है 370 हटने के बाद। और आप, मुझे आश्चर्य होता है कि इस सदन में मैं तो यील करने के लिए तैयार हूं, कोई बताए कि 370 हटने से क्या तकलीफ है उन लोगों को। अगर हम लोग ये कहना बंद कर दिया है कि भारत का एक अंग है जम्मू कश्मीर, हम लोग हमेशा कहते थे भाषणों में कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। क्यों कहते थे? क्योंकि तब लगता था हमें कि वो भारत के बाहर। 370 हटने के बाद आज हम लोग ये संकल्प करके कह सकते हैं कि वो भारत का अंग है। ये फर्क है और उसके लिए विरोध हो रहा है। मैं हैरान हूं, सबके भाषणों में एक बात निकल के आई, 370 हटने से तकलीफ का है। आप लोग बात कर रहे हैं कि वहां पे उत्पीड़न हो रहा है, लोगों के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। जो जम्मू कश्मीर पुलिस में है उनकी व्यथा आप जानते हैं, वो कौन लोग हैं? वहीं के लोग हैं और मुस्लिम लोग हैं जो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, उनको गोलियां खा रहे हैं जो आतंकवादी हैं, उनकी उनका मनोबल आप कम कर रहे हैं। ये ऐसी बातें ना करिए, ऐसा संदेश बाहर भक्त भेजिए कि हम लोग एक साथ नहीं है इस चीज में। मेरे को हैरान हूं, विश्वम जी ने भी बोला इट्स अ डाइंग स्टेट, कश्मीर इज अ डाइंग स्टेट। ये मैं देखता हूं विपक्ष के लोग, पुराने एक ने कहा था कैलकाटा इज अ डाइंग सिटी, आप लोगों को याद होगा। तो ये सब बंद करिए, ये देश, ये प्रदेश भारत का अंग है और हमेशा रहेगा। इसको कोई ताकत अलग नहीं कर सकती, चाहे आप लोग जितना लगे रहे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं जानना चाहता हूं अपने विपक्ष के साथियों से कि कितने बंद हुए 5 अगस्त 2019 के बाद, कितने बंद हुए हैं। जब निवेश तभी आएगा जब शांति रहेगी, बंद अब नहीं होते हैं, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, हड़ताल नहीं होता है। पहले यह था कि कोई केंद्रीय मंत्री गया बंद, कोई गया गृह मंत्री जी गए बंद, प्रधानमंत्री जी गए बंद, विपक्ष के लोग गए तब भी बंद था। और मनोज जी कह रहे थे, मनोज जी ये मत बताइए कि आप लोग एयरपोर्ट से वापस क्यों आ गए, आप लोग के साथ ही कई लोग थे जो वापस आना चाहते थे, एयरपोर्ट के बाहर ही नहीं जाना चाहते थे। इसलिए इस बात को मत कहिए, सबको पता है कि क्या वहां पर स्थिति थी।
इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मैं यही बस यही बात कहने के लिए मैं सुबह से बैठा था कि आप लोग इसको एक मुद्दा मत बनाइए। कश्मीर विकास के मार्ग पे चल रहा है, आप लोग का सहयोग इसमें होना चाहिए। जब देश की बात आए सबको एक साथ खड़े होकर एक बात कहनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।